जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं तो अपनाएं ये वास्तु उपाय। आइए जानते हैं इसके बारे में। वास्तु के अनुसार हर विषय के बारे में बताया गया है। इसमें ऐसे उपायों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें अपनाकर आप अपने कारोबार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने व्यवसाय में सफलता या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप जिस जगह पर अपना व्यवसाय या कारोबार कर रहे हैं वो स्थान धन लाभ के अनुरूप हो। उस स्थान की जो परिस्थितियाँ हो वो आपके व्यापार में धन लाभ के अनुरूप हो। इस अनुकूल स्थितियों का कारण होता है आपके व्यावसायिक स्थान का वास्तु सही होना या वह स्थान वास्तु के अनुकूल होना। परंतु यदि वो स्थान वास्तु के अनुरूप नहीं है तो आपको कारोबार में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिलती है। तो आइए जानते हैं वास्तु के उन उपायों के बारे में जिनसे आप पा सकते हैं कारोबार में सफलता, जैसे कि आपको अपने व्यवसाय में धन लाभ हो और आप अपने जीवन में तरक्की कर सके। पहला, जहाँ पर भी आपका व्यवसाय व्यापारिक स्थान है, अगर उस स्थान पर सीढ़ियाँ बनी हुई हो तो ये जरूरी हो जाता है कि उन सीढ़ियों की संख्या सम नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो सीढ़ियाँ विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7 और 9। जहाँ पर भी आपका व्यापारिक स्थान है वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके व्यापारिक स्थान का दरवाजा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, क्योंकि यदि वो दरवाजा बाहर की ओर खुलेगा तो उससे व्यवसाय में लाभ कम होगा और आपके व्यवसाय के खर्चे बढ़ जाते हैं। तीसरा, आपको अपने व्यापारिक स्थान पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके व्यवसाय के स्थान पर दीवारों पर हल्के रंग होने चाहिए, जैसे सफेद या क्रीम आदि, क्योंकि इससे व्यापारिक स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे आपके व्यवसाय में धन लाभ के अवसर बढ़ते हैं। इसलिए हमें व्यापारिक स्थान पर गहरे रंग नहीं लगवाने चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और व्यवसाय हानि की ओर जाता है। व्यापारिक स्थान पर आपको उत्तर एवं पश्चिम दिशा में शोकेस बनाना चाहिए, इससे कारोबार का ग्राहक बेस बढ़ता है और व्यापार में धन लाभ का अवसर बढ़ जाता है। आपके व्यापारिक स्थान पर अगर आप तिजोरी रखते हैं तो उस तिजोरी का मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये दिशा देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर की दिशा है। दोस्तों, अगर आप इन उपायों को अपनाकर अपने व्यापार में प्रगति करना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही आप जीवन में तरक्की भी कर सकते हैं। आपको कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।